तो आइए दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त सुनील सैनी। आ गया दोस्तों आपके लिए इंडिपेंडेंट फ्लोर लेके। हमारे बहुत सारे व्यूअर की कह रही थी कि इंडिपेंडेंट फ्लोर चाहिए, वो भी ग्राउंड फ्लोर का। तो स्पेशली ये जो हमारा फ्लोर होने वाला है, ग्राउंड फ्लोर में आपको मिलने वाला है। तो अंदर आते देखिए दोस्तों, आपको बहुत प्यारा फील आने वाला है। और सबसे पहले देखिए आप इसकी डाउन सीलिंग, बहुत प्यारी डाउन सीलिंग है दोस्तों। एक लग्जरी फील आ रहा है ऐसी डाउन सीलिंग देख के। और अगर मैं बात करूं इस हमारे ड्राइंग एरिया के साइज की, तो इसका जो साइज होने वाला है वो है 11.6x12.6 का। और इसमें देखिए बहुत, देखिए अभी वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है इसका, बहुत बड़ी आपको यहाँ पे विंडो मिलती है। आपका देखिए सनलाइट भी कितनी आ रही है। अभी यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी देखिए दोस्तों घर में कितनी लाइट आने वाली है। तो ये आपका दोस्तों स्प्लिट एसी प्रोविजनिंग पूरे घर में आपको एज इट इज मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हमारा ये आ जाता है डाइनिंग एरिया। और डाइनिंग एरिया के ऊपर भी देखिए बहुत प्यारी आपको डाउन सीलिंग मिलती है। और इस डाइनिंग एरिया का जो साइज होने वाला है वो है 16x10 का। और देखिए बहुत अच्छे साइज का आपको ये डाइनिंग एरिया मिल जाता है। स्पेशली डाउन सीलिंग देखिए मेरे को पर्सनली बहुत ही पसंद आ रही है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारी किचन की, तो एक बहुत बड़े साइज की आपको ये किचन मिलती है। किचन का जो साइज होने वाला है वो है 14x7 का। तो एल शेप में आपको ये किचन मिलने वाली है। और सारी किचन देखिए, सबसे पहले आप देखिए ग्रेनाइट, बहुत प्यारा ग्रेनाइट लगा हुआ है। और पूरी किचन आपको मॉड्यूलर किचन ऐसे सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलती है। तो देखिए सारा कुछ आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। ये आपको प्रिजनिंग मिल जाती है चिमनी की। ऊपर भी आप देखिए दोस्तों, सारा कुछ आपको एज इट इज सॉफ्ट क्लोजर के साथ ये किचन मिलती है। और अगर मैं बात करूँ आपके सिंक की, आपको नॉइज ग्रूप सिंक मिलता है, डबल सिंक मिल जाता है, विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। सारी फिटिंग आपकी ब्रांडेड होने वाली है। आपको सारी प्रोविजनिंग मिलती है आपके गीजर की, आपके आरओ की, सब कुछ आपको यहीं पे मिलता है। और यहाँ पे आपको प्रोविजनिंग भी मिल जाती है आपके रेफ्रिजरेटर की। तो ये था हमारा किचन एरिया। और इसी के साथ दोस्तों हमें मिल जाता है हमारा एक हमारा स्टडी रूम, जिसको आप दोस्तों किड्स रूम भी बना सकते हैं। और इस अगर मैं स्टडी रूम की बात करूँ, तो इसका साइज होने वाला है 8.6x8.6 का। इसमें भी देखिए आपको डाउन सीलिंग बहुत प्यारी मिलती है एलईडी लाइट्स के साथ। और यहाँ पे भी फ्रंट में विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। तो बहुत ही वेंटिलेटेड दोस्तों ये घर होने वाला है। सिर्फ एक ही यूनिट बचा है, वो भी ग्राउंड फ्लोर का। तो आप इसको देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। तो बात करूँ दोस्तों हमारे गेस्ट के लिए, जो हमारे घर में गेस्ट आएंगे उनके लिए वॉशरूम भी एक रिक्वायर्ड है। और ये आ जाता है हमारा कनेक्टेड वॉशरूम, जो हमारे बेडरूम का और हमारे गेस्ट के लिए। और इसका जो साइज होने वाला है वो है 5x9 का। आप देखिए इसका पूरा व्यू। और बिल्कुल दोस्तों ये एज इट इज आपको ये मिलने वाला है। और इसी के साथ हमारा आ जाता है दोस्तों कनेक्टेड हमारा सेकंड बेडरूम। और इस बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं, तो इसका जो साइज होने वाला है वो है 12x10 का। तो एक अच्छे साइज का आपको ये बेडरूम मिलता है। डाउन सीलिंग देखिए इसमें भी बहुत प्यारी दोस्तों, एलईडी लाइट्स के साथ स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग मिलती है। और यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाते हैं रूफ हाइट तक। तो ये देखिए, तो अभी इसमें दोस्तों क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मटीरियल पड़ा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो आपको एज इट इज दोस्तों ये मिलने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा अटैच मिल जाता है हमें वॉशरूम। और आप देखिए इस वॉशरूम के व्यू, इसका जो साइज होने वाला है 6x6.6 का। तो देखिए बहुत प्यारी वॉल टाइल लगी हुई है। और जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको एज इट इज मिलने वाला है। आपको यहाँ पे विंडो भी मिलती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम। और दोनों बेडरूम से हमारे एक्सेस मिलता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। तो ये है हमारा रियर कोर्टयार्ड, जहाँ पे आपको टैप की प्रोविजनिंग मिलती है, आप यहाँ वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। इसका जो साइज होने वाला वो है 10x6 का। और यहाँ पे आपको देखिए डक्ट मिलती है आपकी वेंटिलेशन के लिए। और दोनों बेडरूम की और दोनों वॉशरूम की आपकी वेंटिलेशन यहीं से मिलती है। तो देखा आपने व्यू हमारा सेकंड बेडरूम का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, जो कि एक बहुत बड़े साइज का आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाला है। और ये आ गया हमारा वो मास्टर बेडरूम। और अगर मैं इस मास्टर बेडरूम के दोस्तों साइज की बात करूँ, तो इसका जो साइज होने वाला है वो है 14x12 का। तो ये देखिए बहुत बड़े साइज का आपको ये मास्टर बेडरूम मिलता है। डाउन सीलिंग देखिए एलईडी लाइट्स के साथ मिलती है। और पूरे आपके दोस्तों इस वॉल पे रूफ हाइट्स तक ये आपको वार्डरोब मिल जाते हैं स्लाइडिंग के साथ। नीचे आपको शू रैक मिलते हैं, ये देखिए स्लाइडिंग के साथ। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मटीरियल पड़ा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। रूफ हाइट्स आके तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको इसमें स्टोरेज मिलने वाली है।
और अगर मैं बात करूं आपके वॉशरूम की, अगेन आपको इसमें अटैच मिल जाता है वॉशरूम, और इस वॉशरूम का जो साइज़ होने वाला है वो है 6x6 का। और आप देखिए इस वॉशरूम का पूरा व्यू, और पूरा आपका दोस्तों वॉशरूम रेडी है। सारी फिटिंग आपको सारी आपको ब्रांडेड ही मिलने वाली है, और इसमें आपको ये विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। और पूरे घर में आपको दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना अच्छा दोस्तों सनलाइट है, कितना अच्छा वेंटिलेशन है, बिल्कुल आपको ये एज इट इज़ ही पूरा घर मिलने वाला है। और यहाँ से हमें इस रूम से भी हमें कनेक्टेड है हमारे रियर कोर्ट यार्ड के साथ, तो पूरे घर में स्प्लिट एसी की प्रोविजन मिलती है सब कुछ दोस्तों। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आपको ये घर ग्राउंड फ्लोर का मिल रहा है, तो बहुत रेयर अवेलेबिलिटी होती है ग्राउंड फ्लोर की। इसकी प्राइसिंग साइजिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और थंबनेल में भी लिख दूंगा, उसको आप ज़रूर चेक करें। और ये था दोस्तों हमारा टूर, आपका 138 गज में बना हुआ इंडिपेंडेंट फ्लोर। और दोस्तों आप भी हमें सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि हमारे पास आपको सबसे सस्ते घर प्लॉट मकान दुकान आपको इसी चैनल पर मिलती है, तो इसलिए हमें सपोर्ट करें दोस्तों। और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगती हैं और अपने इनपुट भी दिया करें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।